वेल गाइज, आई एम अंकित सोलंकी, इंग्लिश लैंग्वेज लाइफ स्किल्स एंड अवेयरनेस कोच। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक अंकित सर पर। वेल दोस्तों, आज मैं आप सभी को 2020 में यूज़ होने वाले टॉप 10 इंग्लिश वर्ड्स बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और फ्लुएंसी को और भी बेहतर बनाने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो वर्ड बताऊँगा जो शायद ही आपको कहीं दूसरी जगह से मिलते हैं या फिर आपने सीखे होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वेल, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो है हर्ल, HURL। हर्ल का मतलब होता है दोस्तों उछालना। जैसे हम बच्चे को उछालते हैं, जैसे मैच शुरू होने से पहले, क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले सिक्के को उछाला जाता है, या फिर दोस्तों एक हम यहाँ पे एक चीज़ और बोलते हैं कि दूसरों पर कीचड़ मच उछालो। तो दोस्तों, उछालने को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ल, HURL, हर्ल। तो दोस्तों, इससे हम सेंटेंसेस बनाएंगे हर्ल द कॉइन। दोस्तों, हर्ल द कॉइन का मतलब होता है सिक्का उछालना, कॉइन को उछालना। वेल, हम बना सकते हैं हर्ल द बेबी या फिर डोंट हर्ल द बेबी। डोंट हर्ल द बेबी का मतलब होता है दोस्तों बच्चे को मत उछालो, बेबी को मत उछालो, या फिर यू शुड नॉट हर्ल मड ऑन अदर्स। तुम्हें दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, तुम्हें दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। तो दोस्तों, हर्ल का मतलब होता है उछालना। वेल, जो हमारा सेकेंड वर्ड है दोस्तों, वो है टाइम किलर। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक बार आपसे बात करने लग गए ना, तो बस ऐसे चिपकू होते हैं कि वे बस फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। फ़ोन उन्होंने कर लिया तो ऐसे चिपकू होते हैं कि फ़ोन काटने का नाम ही नहीं लेते। तो दोस्तों, उसको हम टाइम किलर बोलते हैं। जैसे माई फ्रेंड राहुल इज़ अ टाइम किलर। मेरा फ्रेंड जो राहुल है, वो एक चिपकू किस्म का लड़का है वो, या फिर वो एक मतलब टाइम किलर है। टाइम किलर से ही दोस्तों इसका पता लग रहा है, जो टाइम को मारता है। टाइम को मारने का मतलब है दोस्तों, जो टाइम किलर है, बर्बाद करता है समय को। तो दोस्तों, हम बोल सकते हैं जैसे माय फ्रेंड इज़ अ टाइम किलर, राहुल इज़ अ टाइम किलर, राहुल एक चिपकू आदमी है, राहुल एक चिपकू लड़का है। वेल, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो होता है कट इन। देखो, कट इन का मतलब होता है दोस्तों जब कोई बातें कर रहा है, मान के चलो दो आदमी हैं, वे बातें कर रहे हैं आपस में, तो उनके बीच में कोई बीच में जाके एकदम से टोकता है, या फिर जब आप कोई बात कह रहे हैं तो आपको बीच में कोई रोक देता है, एकदम से टोक देता है। तो दोस्तों, कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। जैसे डोंट कट इन व्हाइल आई एम टेलिंग समथिंग, बीच में मत टोको जब मैं कुछ बता रहा हूँ, या फिर व्हाई आर यू कटिंग इन, क्यों बीच में टोक रहे हो। तो दोस्तों, कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रैंकल, RANKLE। रैंकल का मतलब होता है दोस्तों सताना। जैसे एक भाई अपनी बहन को प्यार से सताता है ना, तो दोस्तों रैंकल का मतलब होता है सताना। जैसे राहुल यू शुड नॉट रैंकल योर सिस्टर, तुम्हें अपनी बहन को नहीं सताना चाहिए। रैंकल का मतलब होता है दोस्तों सताना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गुडी गुडी। गुडी गुडी का मतलब होता है दोस्तों ऊपर से अच्छा दिखने वाला इंसान। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं दोस्तों, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलने वाले होते हैं। तो दोस्तों, गुडी गुडी का मतलब होता है जो ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल एकदम से आपके अगेंस्ट है, मतलब अंदर से बुरा है। तो दोस्तों, गुडी गुडी को बोलते हैं ऊपर से अच्छा दिखने वाला। जैसे राहुल इज़ ए गुडी गुडी बॉय, राहुल एक ऊपर से अच्छा दिखने वाला इंसान है, एक लड़का है। तो दोस्तों, गुडी गुडी का मतलब होता है ऊपर से अच्छा दिखने वाला। वेल, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिंट मनी। देखो, एक होता है दोस्तों अर्न मनी। अर्न मनी का मतलब होता है पैसे कमाना। जब हम हमें बोलना है कि यार आजकल तो उसकी ना बोलते ना, जैसे भाई आजकल तो जबरदस्त तरीके से पैसे कमा रहा है, भाई बहुत पैसा कमा रहा है, मतलब है ना, एक वर्ड बोला जाता है दोस्तों कि उसकी तो ना चांदी हो रखी है भाई। तो दोस्तों, उसको बोलते हैं मिंट मनी, MINT, मिंट मनी। अर्न मनी का मतलब होता है सिंपल पैसे कमाना, है ना, और मिंट मनी का होता है दोस्तों जबरदस्त तरीके से पैसे कमाना, बहुत पैसा कमाना। तो दोस्तों, मिंट मनी का मतलब होता है जबरदस्त तरीके से पैसे कमाना। जैसे राम इज मिंटिंग मनी नाउडेज, राम आजकल बहुत पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों, मिंट मनी का मतलब होता है जबरदस्त तरीके से पैसे कमाना। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है नंबर्ड। नंबर्ड का मतलब होता है दोस्तों गिनती की। जैसे डेज आर नंबर्ड, गिनती के दिन है, मतलब मोबाइल्स आर नंबर्ड, गिनती के मोबाइल हैं। जैसे होता है ना कई बार, अरे भाई मेरे पास तो गिनती के पैसे हैं, मेरे पास तो गिनती की किताबें हैं, मेरे पास तो गिनती के पेन हैं। तो दोस्तों, उसको हम नंबर्ड बोलते हैं। जैसे अरे गिनती के दिन बचे हैं, या फिर हमारे पास गिनती के दिन हैं, तो हम बोलेंगे डेज आर नंबर्ड। तो दोस्तों, नंबर्ड का मतलब होता है गिनती के। नेक्स्ट है दोस्तों
फोल्ड हैंड्स। दोस्तों फोल्ड हैंड्स का मतलब होता है हाथ जोड़ना। जैसे व्हाई आर यू फोल्डिंग योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने अपने हाथ क्यों जोड़ रहे हो, या फिर डोंट फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथ मत जोड़ो। यू शुड फोल्ड योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड, आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। तो दोस्तों फोल्ड हैंड्स का मतलब होता है हाथ जोड़ना। नेक्स्ट है दोस्तों बेचारा। देखो बेचारे को दोस्तों हम बोलते हैं पुअर। जैसे बेचारा साहिल, पुअर साहिल। बेचारा राहुल, पुअर राहुल। नेक्स्ट है दोस्तों आई मीन इट। दोस्तों आई मीन इट का मतलब होता है जब हमें बोलना होता है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। आपने भी देखा होगा ना, बहुत से लोग ये बोलते हैं भाई जो मैं कहता हूँ ना वो मैं करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आई मीन इट का मतलब होता है जो मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। अगर हमें बोलना है कि हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं तो हम बोलेंगे वी मीन इट। अगर मैं कहूँ वह जो कहता है वो करके दिखाता है तो हम बोलेंगे ही मीन्स इट। या फिर अगर कोई लड़की है तो सी लगा देंगे, कोई नाम है तो वहाँ पे कोई नाम का यूज़ कर लेंगे। वेल दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वेल दोस्तों अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो स्टिक टू दिस चैनल दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। वेल दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।